हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएचडी कार्स। और भाई, अगर आपका भी बजट है 6 लाख रुपए और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी गाड़ी लें जो कि बेस्ट साबित आपके लिए हो सके, तो आज का जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है, क्योंकि आज की डेट में जो गाड़ियों के प्राइस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर भी कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि आपको 6 लाख रुपए ऑन रोड के बजट के नीचे नीचे मिल सकती है। अब उनमें से कौन सी गाड़ी क्यों बेस्ट साबित होती है, वो जो डिटेल्स हैं वो आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। 6 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस के नीचे कौन सी बेस्ट कार आप अपने लिए ले सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है माइलेज, स्पेस, परफॉर्मेंस, रिसेल, सर्विस, तो ये वीडियो आपके पूरी तरह से काम आ सकता है। कौन कौन सी गाड़ियां आपको मिलेंगी, क्या इंजन, क्या माइलेज, सब कुछ आपको डिटेल देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बेस्ट कार अंडर 6 लाख रुपीज ऑन रोड प्राइस इन इंडिया की इस वीडियो को। तो इस लिस्ट में सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर 5 पे, तो आती है मारुति इको। मारुति इको मल्टी यूजेज व्हीकल है और आप इस गाड़ी को अपने लिए खरीद सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स इससे मैच होती हैं। मारुति इको का जो 5 सीटर स्टैंडर्ड वेरियंट है वो इस रेंज में, यानी कि 6 लाख ऑन रोड के नीचे नीचे आप ले सकते हैं। उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 5,27,000 रुपये और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 6,05,000 रुपये की। ऊपर से 15,000 का जो कैश डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है, यानी कि 5,90,000 में ही इस गाड़ी को आप अपने लिए खरीद सकते हैं। मारुति इको में 1197 cc का जो इंजन है वो आपको मिलता है 4 सिलेंडर का, 80 bhp की पावर और 104 nm का जो टॉर्क है वो गाड़ी में मिलता है, और 19.71 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज है वो पेट्रोल में कंपनी इस गाड़ी के लिए क्लेम करती है। इस गाड़ी में आपको एसी और पावर स्टेयरिंग नहीं मिलता है, लेकिन जो सिटिंग कैपेसिटी है और जो बूट स्पेस है वो इस गाड़ी में ज़बरदस्त आपको मिलता है। अगर आपको बोझ वगैरह ढोना है, दूध का काम करना है, या फिर सप्लाई वगैरह के लिए इसका जो टूर वेरिएंट आता है उसको आप ले सकते हैं। एज ए फैमिली कार अगर हम देखें तो भी कुछ लोग इस गाड़ी को यूज़ करते हैं, क्योंकि कम बजट की गाड़ी है और ज़्यादा जो सिटिंग कैपेसिटी है वो इस गाड़ी में आपको मिलती है। नंबर 4 पे आएँ तो आती है रेनो क्विड। रेनो क्विड का जो RXL ऑप्शनल वेरिएंट है वो इस रेंज में आप आराम से ले सकते हैं। उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 5,21,000 रुपये और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है 5,98,000 रुपये की। 20,000 तक का जो कैश डिस्काउंट है वो आपको मिल सकता है, यानी कि 5,78,80,000 में ये गाड़ी ऑन रोड आप ले सकते हैं। रेनो क्विड में 999 cc का 67 bhp और 91 nm टॉर्क के साथ में जो इंजन है वो आपको मिलता है, और 21.46 की जो माइलेज है वो कंपनी इस गाड़ी के लिए क्लेम करती है। तो अगर आपको बढ़िया स्पेस चाहिए, लुक वाइज अगर आपको क्विड पसंद है, तो आप इस गाड़ी की तरफ आराम से जा सकते हैं। रेनो क्विड को 4th नंबर पे मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि इस गाड़ी के इंजन में पुराना होने के बाद जो नॉइज है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो माइलेज है वो भी इससे आगे वाली तीनों गाड़ियों से कम इस गाड़ी में आपको मिलती है। साथ ही साथ जो रीसेल वैल्यू है वो भी आपको इस गाड़ी में कम मिलती है, तो उस हिसाब से इस गाड़ी को 4th नंबर पे मैंने यहाँ पे रखा है। नंबर 3 पे आए तो आती है मारुति एस्प्रेसो। मारुति एस्प्रेसो का जो VXI वेरिएंट है वो इस रेंज में आप ले सकते हैं। उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 5,21,000 रुपये और मारुति एस्प्रेसो का VXI वेरिएंट ऑन रोड आपको पड़ता है 5,98,000 का, लेकिन इस गाड़ी पे 60,000 तक का जो कैश डिस्काउंट है वो आपको मिल सकता है, यानी कि VXI वेरिएंट केवल 5,38,000 में ही आप ले सकते हैं। अब इसको मैं 5.5 लाख की लिस्ट में शामिल नहीं कर सकता था, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो भाई कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो अगर आज की डेट की बात करें तो उसमें VXI प्लस वेरिएंट भी इस रेंज में, यानी कि 6 लाख ऑन रोड के नीचे नीचे आप ले सकते हैं। मारुति एस्प्रेसो के VXI प्लस वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत है वो है 5,50,000 रुपये और ऑन रोड वो गाड़ी आपको पड़ती है 6,31,000 रुपये की, और अगर 60,000 का डिस्काउंट माने तो भाई 5,70,000 में ही ये गाड़ी, यानी कि VXI प्लस वेरिएंट, आप अपने लिए ऑन रोड ले सकते हैं। इस गाड़ी को 3rd नंबर पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस गाड़ी की जो सेल्स हैं वो काफ़ी कम हैं, बहुत कम लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं। उस वजह से अगर देखा जाए तो जो रिसेल वैल्यू है वो आपको काफ़ी कम इस गाड़ी की मिलती है, इसीलिए इस गाड़ी को मैंने 3rd नंबर पे रखा है।
मारुति एस्प्रेसो में 998 सीसी का 65 bhp और 89 nm टॉर्क के साथ में जो इंजन है वो आपको मिलता है। 25 तक की जो माइलेज है वो कंपनी इस गाड़ी के लिए क्लेम करती है। तो अगर आपको एस्प्रेसो के लुक्स पसंद है तो आप इस गाड़ी की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। स्पेस के मामले में अल्टो K10 से काफ़ी बेहतर कहीं ना कहीं मारुति एस्प्रेसो साबित होती है। तो चॉइस पे डिपेंड है कि अगर आपको मारुति एस्प्रेसो पसंद है तो आप उसको इस रेंज में अपने लिए ले सकते हैं। नंबर दो पे आए तो आती है मारुति सेलेरियो। मारुति सेलेरियो का जो LXi वेरिएंट है वो इस रेंज में आप ले सकते हैं। उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 5,36,000 रुपये और मारुति सेलेरियो का जो LXi वेरिएंट है वो ऑन रोड आपको पड़ता है 6,11,000 का। लेकिन सेलेरियो पे भी 60,000 का जो कैश डिस्काउंट है वो आपको मिल सकता है, यानी कि 5,51,000 में ही ये गाड़ी ऑन रोड आप अपने लिए ले सकते हैं। ऊंची गाड़ी है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की थोड़ी सी ज़्यादा है, सिटिंग स्पेस बढ़िया है और डैशबोर्ड वगैरह की आउटर की जो लुक है वो अगर आपको पसंद है तो आप इस गाड़ी की तरफ भी आराम से जा सकते हैं। तो चॉइस अपनी है कि सेलेरियो आपको पसंद है क्योंकि सेलेरियो में जो माइलेज है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिलती है। इंजन 1 लीटर का ही आपको मिलता है मारुति एस्प्रेसो के जैसा, लेकिन इस गाड़ी की जो सेल्स हैं वो एस्प्रेसो से कहीं ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इस गाड़ी को दूसरे नंबर पे यहाँ पे रखा है। बाकी सबकी पसंद अलग है, चॉइस अलग है, उस हिसाब से भी आप इन गाड़ियों को ग्रेड कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग जो ग्रेड है वो इन गाड़ियों को दे रहा हूँ यहाँ पे। नंबर एक पे आए तो आती है मारुति अल्टो K10। आज की डेट में मारुति अल्टो K10 मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट गाड़ी आपके लिए साबित हो सकती है। 6 लाख रुपए बजट ऑन रोड प्राइस के नीचे नीचे अल्टो K10 का जो VXi प्लस वेरिएंट है वो आप इस रेंज में बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अल्टो K10 के VXi प्लस यानी कि टॉप मॉडल की जो एक शोरूम कीमत है वो है 5,35,000 रुपए और ये गाड़ी बिना डिस्काउंट के ऑन रोड आपको पड़ती है 6,10,000 की। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो 50,000 रुपए तक का जो कैश डिस्काउंट है वो आप इस गाड़ी पे ले सकते हैं, यानी कि 5,58,000 या 5,55,000 में ही ये गाड़ी ऑन रोड आपको मिल सकती है। अब ये लगा लो कि 5,55,000 में अगर टॉप मॉडल आपको मिल रहा है जिसमें कि आपको स्पेस भी बढ़िया मिलता है, 6 फीट का आदमी आगे या पीछे अगर दोनों जगह बैठे तो भी भाई आराम से बैठ सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अल्टो K10 में भी 1 लीटर का जो इंजन है वो आपको मिल रहा है 998 सीसी 65 bhp 89 nm टॉर्क के साथ में। 24.39 की जो माइलेज है वो कंपनी इस गाड़ी के लिए क्लेम करती है। तो इस गाड़ी में सब कुछ आपको मिल जाता है, सेफ्टी भी 2 स्टार की इस गाड़ी में आपको मिल रही है, यानी कि अगर आप भी 6 लाख ऑन रोड बजट के नीचे नीचे अपने लिए बेस्ट गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग मारुति अल्टो K10 सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित आपके लिए हो सकती है, जिसका कि टॉप मॉडल 5,55,000 रुपये में ऑन रोड आपको मिल सकता है, जिसमें कि आपको माइलेज भी बढ़िया मिलती है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया, 1 लीटर का इंजन आपको मिल रहा है और गाड़ी के वेट रेशियो के हिसाब से देखें तो जो पावर है वो भी इस गाड़ी में ज़बरदस्त मिलती है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इस गाड़ी में सब कुछ आपको मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सोच आपकी है, चॉइस आपकी है, पसंद आपकी है, क्योंकि भाई पैसा आपका है, आप इन गाड़ियों में से जो भी गाड़ी आपको पसंद हो उस हिसाब से ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में अल्टो K10 ही 6 लाख ऑन रोड बजट के नीचे नीचे सबसे बेस्ट गाड़ी यहाँ पे साबित होती है। तो भाई यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।